मुहर्रम पर इस कदर रोया हूं सुनकर दास्ताए करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर आप देखते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमेशा से विनय दुबे को पूछे जाते थे कि आप मुसलमानों के लिए इतना संवेदना क्यों रखते हैं। देश सेक्युलर है, मेरा भारत धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है, हमेशा से सर्वधर्म संभाव के नीति पर यह भारत जिंदा रहा है और आगे भी जिंदा रहेगा। कुछ नफरती ताकतों ने देश में नफरत घोलने की कोशिश की। मैं एक इंसानियत को सपोर्ट करने वाला इंसान हूँ, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूँ, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता हूँ, खुल के सपोर्ट करता हूँ, डंके की चोट पर करता हूँ। मैं उस हर जुलूस हर एक इंसान का विरोध करता हूं इस भारत में जो दूसरे धर्म से नफरत पैदा करे। मैं उस हर जुबान से नफरत करता हूं जो इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करे, जिसके मुंह से हमेशा जहरीली बदबू आए, ऐसे इंसानों से विनय दुबे हमेशा लड़ता रहा है। चाहे वो एक इंसान हो, लोगों का समूह हो, चाहे तो राजनीतिक दल हो, भले हमारे देश के बड़े मंत्री चाहे उससे भी बड़े नेता हो, इस देश ने कभी भी इस तरह की वाहियात चीजों का समर्थन कभी नहीं किया है। मैं क्यों न ऐसे लोगों का समर्थन करूं जो इस देश में सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। और विनय दुबे आगे भी लगातार इनका साथ, हर उस इंसान के साथ खड़ा रहेगा जो इस भारत की एकता अखंडता पे विश्वास करता हो, जो भारत के हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा पे विश्वास रखता हो। विनय दुबे हर उस इंसान के साथ खड़ा है जो इन तत्वों पर विश्वास करे। इस देश में कभी भी बहुत बार लड़ाइयां लड़ी गईं, बहुत बार भारत की संस्कृति सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की गई, एकता को विखंडित करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा ऐसी ताकतें नाकाम रही हैं, इस बार भी नाकाम ही रहेंगी, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे का देश है। आप चाहे जितनी भी नफरत फैला लें, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, उखाड़ दिए जाएंगे। माहे रमजान है, ये नवरात्रि का त्योहार है जो कि इंसानियत और मानवता सिखाता है। आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, खुलकर लोगों की मदद करें। आगे की वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।